पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश के लोग भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। हरिद्वार में भी इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ और उनके समर्थकों ने दीपदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सैन्य कार्रवाई पर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि उनका दीपदान का कार्यक्रम केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए था, लेकिन जो मुंहतोड़ जवाब सेना ने पाकिस्तान को दिया है उसने इसमें चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम पार्टी की तरफ से था, हमने सब जगह जो लाभार्थी हैं उनके घरों पर दीपक जलवाने का काम किया है, लेकिन आज मंडल ज्वालापुर की ओर से हमने ये शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी काम किया है कि देश के अमर शहीद जिन्होंने हमारे इस देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और माननीय मोदी जी ने उसका डटकर मुकाबला किया है, हम चाहेंगे कि ये आज का दिन को समर्पित होना चाहिए और देश के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बलिदान देकर उन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।